सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में 1 से 5 तक स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिन्होंने अपने परिश्रम से अपने परिवार और समाज का मान सम्मान बढ़ाया है उनको बधाई। साथ ही अखिलेश ने सरकार से वादा पूरा करने को भी कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि चूंकि हम सत्ता में नहीं हैं, तो हम कुछ ही लोगों को लैपटॉप दे सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो सभी बच्चों को लैपटॉप दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बच्चों को स्कूटी देने का भी वादा किया था। सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देखते हैं कि कब सरकार बच्चों को स्कूटी देती है। बता दें 5 जुलाई को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उनके हर मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने अपने विभाग का ब्यौरा जनता को देंगे। तो जहां एक तरफ योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने लैपटॉप वितरण का सवाल उठा दिया है। जहां अखिलेश यादव ने कहा कि अब ये देखना होगा कि लैपटॉप और स्कूटी सरकार छात्रों को कब देती है, और ये भी बात उन्होंने उठाई कि 2017 में भी लैपटॉप देने का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, पहले वो सुनते हैं। नकल से पास होने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। जो अपनी मेहनत से पास होता है वो खुद भी सफल होता है और आगे भी सफल होगा। मैं एक बार फिर बच्चों को बधाई इसलिए देता हूं कि आप दुनिया से जुड़ने जा रहे हैं। सरकार हमारी नहीं है तो कुछ ही बच्चों को दिया है मैंने लैपटॉप, और इसलिए लैपटॉप दिया है सरकार को याद दिलाने के लिए कि सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप देंगे। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी, लेकिन आपको मैं इसीलिए दे रहा हूं कि सरकार याद करे। हम तो कुछ ही को दे सकते हैं लेकिन सरकार सबको दे सकती है। जो वादा किया था कि सबको लैपटॉप देंगे, अब देखते हैं कि आने वाले समय में कब वो सबको लैपटॉप देंगे। पिछली बार तो नहीं दिया, शायद इस बार दे दें। बहुत बहुत बधाई आपको। सीधे तौर पे सवाल खड़ा किया है कि पिछली बार तो लैपटॉप नहीं बांटा लेकिन इस बार बांटते, इस बार इसीलिए अखिलेश ने लैपटॉप बांटा है ताकि वो सरकार का ध्यान केंद्रित कर सके उनके घोषणा पत्र की ओर, उनके वादे की ओर। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए 2 मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ संवाददाता भी मौजूद हैं। हमारे साथ इस चर्चा में संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से, साथ ही साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव और सपा से मयंक यादव जी भी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अखिलेश यादव ने मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे हैं, अपने जन्मदिन के अवसर पर ये लैपटॉप बांटे, लेकिन उन्होंने सरकार से सवाल भी किया है। तो सबसे पहले सवाल विभांशु आपसे, क्योंकि आप वहां पे मौजूद थे, तो कल जब आप वहां पे मौजूद थे तो हम जानना चाहेंगे कि अखिलेश ने सीधे तौर पर क्या कुछ कहा था और तंज कसते हुए ही क्यों याद दिलाया सरकार को उनके घोषणा पत्र के बारे में। जी शिखा, आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव का 49वां जन्मदिन था, जिस अवसर पे वो प्रदेश में जो हाल ही में रिजल्ट आए हैं 10वीं और 12वीं के, उसमें के जो 5 मेधावी छात्र हैं, इन सभी छात्रों को जो शुरुआत की 5 रैंक पाए थे, इन सभी छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि मुहिम जो हमारी पिछली सरकार में शुरुआत की गई थी उसी क्रम में हम अब लैपटॉप बांटकर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उनकी तरफ से कहा गया कि अभी हम सरकार में नहीं है तो बस शुरुआती 5 मेधावी छात्रों को दे रहे हैं 10वीं से और 12वीं से। और उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार ने वादा किया था 2017 की सरकार बनने के समय कि हम सभी छात्रों को लैपटॉप देंगे, जो भी उच्च अगर देखें तो जो 70% से ऊपर नंबर लाएंगे उनको लैपटॉप देंगे, मगर सरकार इसमें विफल रही। और साफ तौर पे उनका कहना था कि जो नकल करके पास होते हैं वो कहाँ से अकल लगाएंगे, तो सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि क्या पिछली सरकार में वादा करने के बावजूद लैपटॉप नहीं दिए गए,
क्या वो इस सरकार में यानी कि योगी सरकार 2.0 में दिए जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव के तन से सरकार इसको इस पे क्या सोचती है। वहीं आपको बताएं कि कल अखिलेश यादव की तरफ से तमाम ऐसी बातें की गई जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन्हें कंप्यूटर चलाना आता हो वो कंप्यूटर का मोल समझेंगे। अब देखने वाली बात ये सिखा होगी कि जो सरकार की तरफ से 100 दिन का एजेंडा लेकर शुरुआत की गई है उसमें क्या लैपटॉप वितरण का काम किया जाएगा। और वहीं अगर बात करें तो आपने पिछली सरकार में देखा कि सरकार टैब और मोबाइल फोन छात्रों को दिए थे। जी सिखा, लैपटॉप बांटने की बात और स्कूटी बांटने की बात तो अखिलेश ने की है, लेकिन बीजेपी की तरफ से टैबलेट और मोबाइल फोन तो बांटे गए हैं। हमारे साथ सपा से भी जुड़े हुए हैं, सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मयंक यादव जी। मयंक, आपसे सवाल है, जिस तरह से बीजेपी ने मोबाइल और टैबलेट बांटे हैं लेकिन अभी भी अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया है कि सरकार अपने वादे पूरे करे, स्कूटी और लैपटॉप बांटे, लैपटॉप के ऊपर इतना ध्यान क्यों केंद्रित किया जा रहा है? मोबाइल और टैबलेट तो बांटे ही है सरकार ने। मयंक जी, जी मयंक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ, क्या पूछ रहे हैं जी? तो मेरा सवाल ये है कि ये जो लैपटॉप को लेके अखिलेश यादव ने सवाल किया है और कहा है कि देखना ये होगा कि आखिर कब वादा पूरा करती है सरकार, लेकिन मोबाइल और टैबलेट तो बांट दिए, तो फिर लैपटॉप को लेके इस तरह से तंज कसना ये कितना सही है? हाँ, लैपटॉप सरकार को देने में समस्या होगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शायद लैपटॉप चलाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने पहले लेकर कहा है जो टैबलेट के लिए फोन देते हैं, भाई लैपटॉप आप क्यों ले रहे? आप वादा तो लैपटॉप देने का करते हैं, आप लैपटॉप वादा करते हैं कि हम स्कूटी देंगे। भाई प्रोत्साहन के तौर पर छात्रों विद्यार्थियों को आप वादा तो कर देते हैं, वोट दे देते हैं, लेकिन जब बारी आती है अपना वादा पूरा करने की तो बड़ी साफ वोट से आप पीछे हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने वो सारे बयान उठाकर वापस से देखने चाहिए जिनमें उन्होंने देश प्रदेश के छात्र नौजवानों से बेटियों से वादा किया था और अपने वादे से आज मुकर रहे हैं। जबकि माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव हारने के बाद भी प्रोत्साहन के तौर पर कि हमारे देश के प्रदेश के छात्र नौजवान बेटा बेटियां आगे बढ़े पढ़ाई लिखाई में, आप जिस भी क्षेत्र में सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो चाहे एडवोकेट बने, चाहे पॉलिटिशियन बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या खेल के क्षेत्र में जहां भी जाए, तो सबसे बड़ी चीज है प्रोत्साहन। अगर सरकार प्रोत्साहन देती है तो ये छात्र नौजवान बड़ा उत्साहित होता है कि हाँ देखिए हमने पढ़ाई की और उसकी लगन और बढ़ जाती है और उसके आसपास उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे उनकी भी लगन बढ़ जाती है, हमको भी अच्छी पढ़ाई करनी हो सकता है, हमें भी अगली बार लैपटॉप टैबलेट और लैपटॉप मिल जाए। तो मुख्यमंत्री जी तो खैर ये कोई नई बात नहीं है कि वो अपने वादे से मुकरे हैं, इनका इतिहास रहा है जब से इनकी पार्टी का उदय हुआ या इनकी पार्टी से पहले आरएसएस का उदय हुआ या आरएसएस का उदय करने वाले लोग जब पैदा हुए तो झूठ बोलना तो ये इनके डीएनए में है। डीएनए की बातें आजकल बहुत चल रही है तो इनके डीएनए में झूठ बोलना है और मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ये वादा कभी पूरा कर पाएंगे क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए अच्छी सोच की आवश्यकता होती है और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ऐसी नहीं है कि वो छात्रों नौजवानों को लैपटॉप दे सकें। विवेक जी, बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है, सीधे तौर पे सपा कह रही है कि वादे पूरे नहीं करती है बीजेपी, क्या कहेंगे, क्या जवाब है? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र जिस तरह से बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी ने जो जन्मदिन मनाया है, सिखा जी जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहला जन्मदिन है जो अखिलेश यादव जी ने बच्चों के बीच मनाया, इसके पहले वो जन्मदिन मनाने विदेश चले जाते थे और जिस तरह से पांच पांच बच्चों को लैपटॉप बांट करके सरकार को वादे याद दिलाए जा रहे हैं जी। सरकार ने टैबलेट और स्मार्टफोन का वादा किया था, पिछले कार्यकाल में बांटा भी, जो चुनाव के कारण नहीं बांट पाए समय से वो चुनाव के बाद उनको बांटा गया और इस 2022-23 के बजट में भी इसका प्रावधान किया गया। उसकी एक टेंडर की प्रक्रिया होती, टेंडर जारी हो चुके हैं, सारी कंपनियों से स्मार्टफोन और टैबलेट
लिए जा रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से उसकी सूचियां भी मांगी गई हैं। 10वीं 12वीं के 65% से अधिक पाए हुए छात्रों को सूची में स्थान मिलना है और टेक्निकल कोर्स के जो हैं बीटेक के या डिप्लोमा के जो लास्ट ईयर के छात्र हैं उनको इस सूची में स्थान दिया जाना है और इसमें पीएचडी वालों को भी शामिल किया गया है। ऐसे छात्रों को इसमें शामिल करके बाकायदा एक सूची मांग करके इनका जिलावार वितरण होना है, ये पूरी प्रक्रिया है। जी विवेक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले कार्यकाल में कब सरकार द्वारा लैपटॉप बांटे गए थे, क्योंकि इस कार्यकाल में तो 25 दिसंबर को बांटा गया था। नहीं, लैपटॉप देखिए, पहली बात तो अखिलेश यादव जी टैबलेट और लैपटॉप का अंतर समझ लें, ये ज़्यादा बेहतर है। उनसे हम इसकी अपेक्षा इसलिए नहीं करते कि उनको वर्चुअल रैली और फिजिकल रैली में अंतर समझ में नहीं आता, हालांकि पढ़े वो वहाँ से हैं, मैसूर से, डोनेशन वाले कॉलेज से, लेकिन अब उनको नहीं आता। देने की बात भी कही है, तो क्या स्कूटी दी जाएगी? देखिए, 97 जब बजट प्रस्तुत हुआ तो 97 संकल्पों पे काम करने की बात मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई और उन 97 संकल्पों पे काम चल रहा है। 5 वर्ष सरकार के पास है, धीरे धीरे सारे संकल्पों पे सरकार काम करेगी। इस बजट में टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए बजट आवंटित किया गया है, उनकी निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ है, क्रय किए जा रहे हैं और जिलावार सूची जिलाधिकारी के माध्यम से मांगी गई है, वो भी प्रक्रिया निष्पादित हो जाएगी। अभी तो आपने देखा है कि हाल ही में हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट आए यूपी बोर्ड के, तमाम जो शिक्षा बोर्ड हैं यूपी में जो होते हैं उनके रिजल्ट सबके आ जाएँ, अब इसके बाद सूची कंप्लीट हो जाए, इसके बाद कार्यक्रम हो जाएगा बांटने का। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया, पिछले साल भी बांटे गए, इस साल भी बांटे जाएंगे। इसमें 5-5 लैपटॉप बांट करके सरकार को वादे दिलाना, अरे अच्छी बात है, आपने कम से कम देश में बच्चों की भी जन्मदिन मनाया, हमारे तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, इसी बहाने कम से कम आपने देश में अपना जन्मदिन मनाया, इस बात की शुभकामनाएं, नहीं तो आप तो छुट्टी मनाने विदेश चले जाते थे। आप हमें क्या वादा याद दिला रहे हैं, आपको देश याद आया, यही बहुत अच्छी बात है। मयंक जी क्या कहेंगे, क्योंकि देश याद आया है और बच्चों के बीच पहली बार जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये विवेक जी कह रहे हैं, क्या जवाब है? मयंक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, तो विवेक जी ने कहा है कि पहली बार बच्चों के और देश में जन्मदिन मनाया अखिलेश यादव ने, तो राजनीति के चलते ये जन्मदिन मनाया गया है और बच्चों पे लैपटॉप बांटा गया है, तो क्या सपा अपने आप को सत्ता से आगे दिखाना चाह रही है, क्या इसीलिए लैपटॉप का वितरण किया गया है? विवेक जी को थोड़ा सा जानकारी करनी चाहिए, 2012 में जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, अपने मैनिफेस्टो का अगर कोई सबसे पहला वादा पूरा किया था तो वो लैपटॉप देकर ही वादा पूरा किया था जी। अगर ये अखिलेश यादव जी अपना जन्मदिन मना रहे और जन्मदिन में टॉप 5 छात्र छात्राओं को लैपटॉप देकर वो राजनीति कर रहे हैं, तो मैं क्या पूरा हिंदुस्तान चाहेगा कि ऐसी ही राजनीति हो? हमें ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जो जाति और धर्म पर चलती हो, जो धर्म के नाम पर पूरे प्रदेश में देश के अलग अलग हिस्सों में मारकाट हो रही है। एक भेड़ बयान भारतीय जनता पार्टी की एक महिला दे देती है, पूरी भाजपा सारी सरकारी एजेंसियां मिलकर उसको ढूंढ नहीं पा रही है। एक जुबैर साहब है आपके मीडिया से जुड़े हुए, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैं बता दूं वो जेल में, उनके एक बार में जेल में डाल दे, नुपुर शर्मा को उठाने किसी की हैसियत नहीं है। ये है राजनीति, ऐसी राजनीति ना अखिलेश यादव जी करते हैं ना हम लोग करते हैं, हम लोग पसंद करते हैं। राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रतिस्पर्धा ऐसी हो कि देश और प्रदेश का कल्याण हो, छात्रों नौजवानों का भविष्य जो आज अंधकार में जा रहा है, छात्रों नौजवानों का भविष्य अच्छा हो। भाई राजनीति क्या, आप कौन सी राजनीति करते हैं? विवेक जी से पूछिए इनकी पार्टी कौन सी राजनीति करना चाहती है। भाई राजनीति यही अच्छी होती है कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, ये कौन सी राजनीति, कितने लोगों की हत्या कर सकते हैं, कितने लोगों का घर गिरवा सकते हैं। घर गिरवाना क्या सरकार का काम है कि न्यायालय का काम है? नहीं, लेकिन ये बदले की भावना से जो लोग, अरे बदले की भावना से आपको करना है, अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 18 लाख लैपटॉप बांटे, 36 लाख बांट के दिखाइए, क्या है ऐसा? मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 36 लाख लैपटॉप बांट पाए। ठीक है, राजनीति करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी अपनी बात रखिए।
देखिए मयंक जी, शिखा जी, मैं आपके माध्यम से मयंक जी को बता दूं कि आप लैपटॉप की बात कर रहे हैं, सरकार इसके पूर्व में लाखों की संख्या में टैबलेट और स्मार्टफोन बांट चुकी है। 2 करोड़ आगे 5 वर्ष में बांटने का लक्ष्य सरकार का है, टैबलेट और स्मार्टफोन। अब आप जिस बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने पहला वादा पूरा किया, तो अखिलेश यादव ने किसानों की कर्ज माफ़ी का वादा किया था और उसमें कर्ज उसका माफ़ किया कि जिन्होंने भूमि विकास बैंक से लिया था। जहाँ तक मेरी जानकारी, भूमि विकास बैंक से कर्ज लेने वालों की संख्या गांव में 1 या 2 थी। तो इस तरह का तो उन्होंने किसानों के साथ कर्ज माफ़ी के नाम पे छलावा किया। खैर, उसका परिणाम जनता ने उनकी सरकार को दे दिया, आज जो जहाँ हैं अपने शासन में किए गए कार्यों के कारण से है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जनता ने दोबारा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को जनादेश दिया, उनके कार्यों के कारण दिया। और जिस बुलडोजर पे आपको इतनी दर्द हो रहा है, वो बुलडोजर भी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत चलाए जाते, जिसमें जिलाधिकारी के माध्यम से ये तय होता है कि पुलिस की रिपोर्ट पे कि ये जो संपत्ति है वो अवैध तरीके से अर्जित की गई है या अवैध भूमि पे निर्मित भवन है, तब उस पे कार्रवाई होती है। तो पहले बात, जो कानून के जो प्रावधान, उसको पढ़ लें, उन्हीं कानूनों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होती है। और अपराधियों के साथ अगर समाजवादी पार्टी खड़े होना चाहती तो समाजवादी पार्टी का शौक है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी माफिया हैं, गैंगस्टर, उनके ऊपर चुन चुन के कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। विभांशु, बीजेपी सरकार की जो दूसरे कार्यकाल है उसका 100 दिन पूरा होने वाला है, 100 दिन का एजेंडा भी रखा गया था। अगर बात करी जाए छात्रों की, तो यहाँ पे हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं, अगर 100 दिनों के एजेंडे की बात करी जाए तो और क्या कुछ देखने को मिला है जमीनी स्तर पर, जिससे शिक्षा और क्षेत्र में बदलाव हुआ है, सुधार हुआ है? शिखा, आपको बता दें कि 25 मार्च को जब योगी सरकार 2.0 की शुरुआत होती है, तो कहा जाता है कि 100 दिन के अंदर सभी विभाग के मंत्री का प्रेजेंटेशन लिया गया और प्रेजेंटेशन के बाद ये तय किया गया कि 100 दिन के अंदर हम क्या बदलाव ले आएंगे। उसी क्रम में आपको बताएं कि 100 दिन, साथ ही साथ उसके बाद 6 महीना और 6 महीने के बाद साल भर और साल भर के बाद 2 साल और 2 साल, ये तो लक्ष्य तय करके इस बार की जो योगी सरकार 2.0 है, उनका कहना था कि इस बार लक्ष्य तय करके हम काम करेंगे। 4 जुलाई को सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो संकल्प पत्र है, जो लोक संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से लाए गए, उसमें तमाम वादे किए गए हैं। जैसे बात की जाए तो छात्रों को 2 करोड़ टैबलेट बांटने की, मोबाइल फोन बांटने की, साथ ही साथ किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की बिजली की व्यवस्था करनी थी। वहीं आपको बताएं कि अगर वादे के मुताबिक देखा जाए तो जो स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राएं हैं, छात्राओं को स्कूटी से देने की बात कही गई थी। वहीं आपको बताएं तो जो गन्ना किसान ने सालों से भुगतान को लेकर परेशान रहते हैं, तो कहा गया था कि सरकार बनने के बाद हम 15 दिन में भुगतान करा देंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी, जो 100 दिन का विकास के कार्यों का खाका तैयार करके अब मुख्यमंत्री के समक्ष तमाम मंत्री और अधिकारी रखे हैं, तो 100 दिन के अंदर क्या बदलाव लाते हैं। ये बदलाव जब योगी आदित्यनाथ की 4 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बताया जाएगा कि किस तरह के बदलाव लाए गए, साथ ही साथ 100 दिनों में क्या एजेंडा लेकर सरकार काम की और इससे कितना उस पर कायम हो पाई है, कितना उसमें सफल हो पाई है। वहीं जब मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो तमाम विभागों के मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने 100 दिन के एजेंडे का काम का बताया जाएगा। मगर अगर देखें शिखा, तो प्रदेश भर में कहीं ना कहीं यूपी टूरिज्म जो है उससे जस्ट है, क्योंकि जो टूटी पड़ी बसें हैं उसमें नए बेड़े को सम्मिलित नहीं किया जा रहा था। तो जो तत्कालीन में परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उनकी तरफ से प्रेजेंटेशन में कहा गया था कि हम ग्रामीण डिपो बनाएंगे। अब ग्राम को भी हम जो बसें हैं उससे जोड़ेंगे, और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया था कि 2000 नई बसों को भी हम बेड़ों में जोड़ेंगे प्रदेश भर में, जो गांवों में चलेंगी। अब देखने वाली बात ये होती है जी, उनके
सरकार होने के बाद किस तरह का काम सभी विभागों की तरफ से किया जाएगा। वही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य मंत्री जो जिनके पास जिम्मा है उनकी तरफ से कहा गया था कि हर एक जिलों में डायलिसिस सेंटर बनाए जाएंगे और साथ ही साथ अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, हर क्षेत्र में काम करने की बात कही गई थी विभागों, और अब सौदे पूरे होने के बाद इस बात का खुलासा होगा कि कितना काम किया गया है। जी मयंक, हम आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो 100 दिन का एजेंडा रखा था उसमें कितना काम हुआ है? क्या आप इससे सहमत है विपक्ष में होने के नाते? लोग आशा अपेक्षाएं लगाए बैठे हैं। जी मयंक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या विपक्ष में होने के नाते 100 दिन की जो योजना बनाई गई थी, जिस तरह से काम किया गया सरकार के द्वारा, तो क्या विपक्ष इससे संतुष्ट है? क्या लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है 100 दिन के एजेंडे से और तेज काम हुआ है? हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है मयंक जी तक। श्रीवास्तव जी, जिस तरह से 100 दिन का एजेंडा बनाया गया, काम तो किए गए, अब 100 दिन पूरा होने वाला है, तो क्या लगता है कितना बदलाव आया है? और अभी जिस तरह से अखिलेश यादव याद दिला रहे थे कि घोषणा पत्र में जो वादे किए उनको पूरा करें, स्कूटी दे, लैपटॉप दे, बाकी क्षेत्रों की बात करी जाए तो कितना बदलाव देखने को मिला है? देखिए शिखा जी, सारे क्षेत्रों में सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। उसी क्रम में बजट में प्रावधान किए गए किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा देने के लिए जी। उसका भी धन बजट में आवंटित किया गया। छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन देने के लिए भी सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया। तो 97 जो संकल्प थे उस घोषणा पत्र के, उन संकल्पों पे सरकार ने काम किया और उनके लिए बजट में प्रावधान किया जी। ऐसे 97 थे। अब उनमें जिस बात का बार बार हमारे विपक्षी मित्र याद दिला रहे हैं, देखिए टैबलेट की निविदा आवंटित होती है, उसके बाद उसकी आपूर्ति होनी है और कोई एक जगह वितरण नहीं है। 75 जिले में हर जिला स्तर पे इसकी वितरण होना है और उस वितरण की प्रक्रिया में समय लगता है। सरकार ने ईमानदारी से बजट सत्र में उसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया जी। तो इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा, क्योंकि बजट तो पास हो जाएगा, अगर पेपर वर्क की बात करें तो उसमें तो बहुत ज्यादा समय लगता है। बजट तो शिखा जी पास हो चुका है, निविदा आमंत्रित हो चुकी है, निविदा की आपूर्ति हो रही है सामानों की, तो सारे टैबलेट और स्मार्टफोन ही आ जाएंगे और इसके बाद ये जिलावार इसका वितरण हो जाएगा जी। कब तक वितरण होगा? ये प्रक्रिया में है, इसकी तिथि वार अगर मुझसे जानकारी चाहेंगे तो मुझे इस पर थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रक्रिया में है, बहुत जल्द इसका वितरण हो जाना है। अभी तो हाई स्कूल इंटर के यूपी में रिजल्ट आए हैं जी। और इसी दौरान बीटेक के प्रावधिक के जो लास्ट ईयर के छात्र उनको भी बटना है, तो ये सूची भी जिलाधिकारियों के माध्यम से मांगी गई है, वो सूची भी कम्प्लीट होकर के आ रही है। जैसे कम्प्लीट होकर के आ जाएगी जिलावार इसका वितरण हो जाएगा जी। मयंक जी, जिस तरह से बीजेपी के द्वारा ये बताया गया है कि काम अभी प्रोसेस में चल रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मयंक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, तो जिस तरह से बीजेपी द्वारा बताया गया है कि बजट पास हो गया है और पूरी प्रोसेस में है ये कार्यक्रम, आप द्वारा तो कुछ बच्चों को दे दिया गया है लेकिन 75 जिलों में टैबलेट और लैपटॉप बांटने हैं, तो अभी ये काम प्रोसेस में, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अपने वादे पूरे करेगी बीजेपी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी को कोई भी काम करने के लिए सालों साल लगते हैं। वही अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री बनने के चंद महीनों का उंगली में आप गिनती कर सकते थे कि कितने दिनों में अपना वादा पूरा किया था जी। कोई वादा पूरा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। इसको आप लिख कर रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय लिख कर रख ले, इनके मुख्यमंत्री महोदय ये वादा नहीं पूरा करेंगे। क्योंकि लेकिन मोबाइल और टैबलेट तो बांटे गए, इसको देखते हुए क्या कहेंगे? ये वादा तो पूरा किया गया है, वो सब बांटे गए जब चुनाव सर पे था जी। अब चुनाव हो रहा है, अब वोट ले लिया है,
अब दूसरे प्रदेशों में विधायक खरीदे जा रहे हैं, बजट में पास हुआ है जो दूसरे प्रदेशों में विधायक खरीदने के लिए है। अभी का जो बजट पास हुआ होगा मेरे ख्याल से कुछ पैसा तो खर्चा हुआ होगा महाराष्ट्र वाले चुनाव में, 40 से विधायक खरीदे हैं, फ्री में थोड़ी विधायक आते हैं, विधायक खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं, उनको खरीदा गया है। तो ये लोग छात्रों नौजवानों के लिए कुछ करने वाले नहीं है, ये लोग सिर्फ विधायक सांसद खरीदेंगे, इधर का उधर करेंगे, व्यापारी लोग हैं, इनको देश की शिक्षा सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। वादे से इन्होंने सुरक्षा के भी किए थे, रात 12 बजे बेटियां गहने पहन कर चल सकती है, क्या होता है सरकार का ही बात है, सरकार का ही आदेश है कि रात में किसी भी बेटी को महिला को किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये लोग अपनी बातों से फिसलते बहुत तेज है, बातों के धनी नहीं है, इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए, इनके बारे में एक बड़े नेता ने इनके मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं इबारा कर देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में एक शब्द बोला था, शायद वो आज तक जो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उनके बारे में यूज करता है, तो इन चीजों से बचे रहना बहुत जरूरी है। जी विवेक जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने जो टेंडर पास किया है, जो बजट पास किया है, वो विधायकों के लिए किया गया है, अब छात्रों को बांटेंगे नहीं आगे और लैपटॉप, और जिस तरह से आपने वादे किए वो वादे पूरे नहीं किएंगे, तो वादा पूरा नहीं करती बीजेपी, इस तरह का आरोप लग रहा है सपा द्वारा। देखिये शिखा जी, समाजवादी पार्टी को अपने जमाने याद आ रहे हैं, अपने किए धरे याद आ रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने लैपटॉप बांटा था उसमें घोटाले का आरोप लगा, उसकी जांच भी हुई, जांच चल भी रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रक्रिया इस तरह के विवादों में नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी जो काम करती पूरी पारदर्शिता के साथ करती है। निविदा हुई, बाकायदा उसमें लोगों ने निविदा डाली है और उसमें आपूर्ति हो रही, आपूर्ति होने के बाद बढ़ जाएगी। अभी हमारे मयंक जी बार बार बता रहे थे कि साहब वो नहीं बांटेंगे विधायकों खरीद प्रोग, देखिए कहीं पे कोई दल में अगर आंतरिक विघटन हो रहा है ये उनकी समस्या है, उसमें हर विषय में भारतीय जनता पार्टी को ले जाकर के जोड़ना ये ठीक नहीं है। और अगर जिस प्रदेश में अराजकता फैल रही है किसी कांग्रेस के या एनसीपी के गठबंधन के कारण, और वहाँ हिंदुत्व के शक्तियों पर कुठाराघात हो रहा है, पुलिस कमिश्नर से वसूली मांग रहा है गृह मंत्री, इस तरह की अराजकता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहाँ आँख मूंद के बैठ के तमाशा तो नहीं देखेगी। ऐसे में जनता को सुरक्षा सुव्यवस्था सुशासन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम अगर ऐसा कोई दल सपा की तरफ से कहा गया है कि महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है, आप अपनी बातों से फिसलते हैं। आपने एक बात नहीं कि इन्होंने बात करने क्रम में बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने एक ऑर्डर दिया कि महिलाओं को रात में कार्यालय में ड्यूटी करने के लिए बाध्य न किया जाए। अगर सरकार ऐसा कोई आदेश दे रही तो उसमें भी समाजवादी पार्टी को दर्द है, जो जिससे कि महिलाओं को सहूलियत मिले या सुविधा मिले। अब आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या है, ये इनको महिलाओं की सुविधा और सहूलियत भी नहीं देखी जा रही है। ये अगर शासन इस तरह का कोई आदेश देता तो उससे भी इनको दर्द है। महिलाएँ सुरक्षित हैं ये तो महिलाएं स्वयं जानती हैं, हम लोग चुनाव के दौरान गए तो हम लोगों को महिलाओं ने बताया कि साहब एंटी रोमियो स्क्वाड आपने क्यों बंद कर दिया, तो हम लोगों ने बताया साहब रंजीता रंजन का संसद बयान देख लिया किस तरह विपक्ष आए, तो कहा नहीं साहब आप शुरू करिए, उससे अच्छे आउटपुट थे, हम लोगों ने फिर एंटी रोमियो स्क्वाड चालू किया। तो महिलाओं में कितनी सुरक्षा की भावना है ये महिलाओं से फीडबैक हम लोगों को मिलता है, इस फीडबैक के लिए हमें समाजवादी पार्टी जैसे गुंडों के दल से फीडबैक की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने क्या नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही है कि हम विपक्ष में होने के नाते कुछ ही बच्चों को लैपटॉप बांट सकते हैं, लेकिन सरकार सत्ता में होने के नाते सभी को लैपटॉप बांटे, तो क्या सभी को लैपटॉप मिलेगा? बिल्कुल, जो 65% से ऊपर जिनका मार्क रहेगा 10वीं और 12वीं में उनको मिलेगा, और टेक्निकल कोर्सेज के अंतिम वर्ष के छात्रों को मिलेगा, इस सबको मिलेगा, जो सरकार की क्राइटेरिया जो उसमें तय है उसमें सबको मिलेगा। और उनके ये 5 बांटने से और लाखों की संख्या में बांटने बड़ा अंतर है शिखा जी, ये उनको समझ में आना चाहिए। इसकी पूरी एक प्रक्रिया हर जिले में बंटना, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में,
और जिलावार सूची बनकर के आना और हर जगह के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति होकर के वहाँ पहुँचना और उनको बटना, इस प्रक्रिया में समय लगता है। सरकार द्वारा बजट आवंटित किया जा चुका है, उस बजट की सदन में वो भी उपस्थित थे, उनको स्वयं मालूम होना चाहिए। इस तरह से भ्रामक बातें जनता के बीच जाकर के करना एक विपक्ष के नेता को, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री को, शोभा नहीं देता। जी मैं जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से तो बता दिया गया है कि हाँ बच्चों को दिया जाएगा, जो आधार निर्धारित किया उनके आधार पर बच्चों को लैपटॉप बांटा जाएगा, स्मार्ट डिवाइसेस दिए जाएंगे ताकि उनकी पढ़ाई और बेहतर हो सके, अब क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय जिनके पास बताने के लिए कुछ पता नहीं है, ये लोग तय कर रहे हैं कि बच्चे 100 में से जब 500 नंबर लेके आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, 100 में से जब 500 नंबर लेके आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इनको लैपटॉप देगी। ये कौन सी बातें हैं भाई, क्या बच्चे पास हो गए, आप सरकार में है, टैक्स आपके पास आ रहा है, घर आप गिरा रहे हैं, रिकवरी आप कर रहे हैं। अरे कम से कम रिकवरी गुंडों से, बदमाशों से अगर आप पैसे कर रहे हैं तो इन बच्चों का भविष्य तो बना दीजिए, लैपटॉप तो दे दीजिए। अरे प्रतिस्पर्धा करनी है आपको तो शिक्षा के क्षेत्र में करिए। अच्छा सपा क्या चाहती है कि बच्चों को लैपटॉप ही बांटे जाए या स्मार्ट डिवाइस हो ताकि उससे पढ़ाई कर सके, वो चाहे टैबलेट हो या फिर मोबाइल, सपा क्या चाहती है? अभी जो फोन बांटे गए, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से 10-10 फोन मंगवा लिए जाए और आप जानकारी कर लीजिए उन फोनों में क्या, उन फोन में क्या है और जो अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप आते थे उनमें क्या क्या डिफरेंस है। यानी आप गुणवत्ता में सवाल उठा रहे हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि वो फोन खराब हो रहा है ज्यादातर। विवेक जी गुणवत्ता में क्या कहेंगे, सपा सवाल उठा रही है। देखिए शिखा जी, जिसको वर्चुअल और फिजिकल रैली में अंतर ना मालूम हो उनके लिए किसी भी पे विषय करना, प्रश्न उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इनके में इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूंगा, जो कुछ है निविदा के तहत आपूर्ति की गई है सारी गुणवत्ता पे है, बच्चे उसको लेकर के चला रहे हैं, कहीं बच्चों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, इन्हें कहाँ से शिकायत मिल गई ये बता सकते हैं? बिल्कुल, हम अपने संवाददाता से जुड़ना चाहेंगे। विभांशु, जिस तरह से जब इन टैबलेट और मोबाइल फोन का वितरण हो रहा था आप भी कारा में मौजूद थे और आपने भी बच्चों से जाना था कि वो कितने खुश थे, तो मोबाइल और उन टैबलेट्स की बात करी जाए जो बीजेपी की तरफ से बांटे गए हैं, तो उनका अभी तक क्या फीडबैक मिला है विभांशु? शिखा, आपको बता दें कि अब डिजिटलाइजेशन का दौर है और स्कूलों में अगर देखी जाए तो जो असाइनमेंट मिलते हैं उसमें एक रिसर्च का बहुत बड़ा रोल होता है, और ख़ास तौर पे देखा जाए तो जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, उनके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहीं ना कहीं एक बेहतर साबित हो रहा है, क्योंकि स्कूलों में अगर देखें तो असाइनमेंट में बनाने के लिए, साथ ही साथ असाइनमेंट से जुड़े विषय उन्हें बेहतर लाभ मिला, जैसा कि हमने देखा बच्चों से बात करके। और हाल ही में जब सरकार की तरफ से बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट दिए जा रहे थे, और वहीं कल जब समाजवादी पार्टी के में जब बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे थे, तो उनसे साफ तौर से जब पूछा गया कि इस लैपटॉप से आपको क्या मिल के आएगा, क्या आप इसे पाकर क्या कहेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ाई में ये सहारा देगा और उन्हें रिसर्च बेस्ड जो असाइनमेंट होते हैं वो बनाने में उन्हें लाभ मिलेगा। तो लैपटॉप चाहे भाजपा की तरफ से दी जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से ये लैपटॉप दी जाए, और भाजपा की तरफ से टैबलेट और मोबाइल फोन दी जाए, इससे कहीं ना कहीं बच्चा जो असाइनमेंट है साथ ही साथ रिसर्च है और पढ़ने में एक बेहतर उन्हें लाभ मिलेगा लैपटॉप और टैबलेट से। जी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी और सपा से मयंक यादव जी जुड़े हुए थे और विभांशु हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़े थे। तो सीधी सी बात है कि लैपटॉप हो, टैबलेट हो या फिर मोबाइल,
ये बच्चों के भविष्य में सहयोग करेंगे, उनकी पढ़ाई में सहयोग करेंगे, उनके असाइनमेंट्स में सहयोग करेंगे, उनको डिजिटल बनाने में सहयोग करेंगे। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो, अगर कहीं कमी देखने को मिल रही है तो उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हर बच्चे तक ये मोबाइल फोन पहुंचे, खासतौर से शहरी नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इन मोबाइल फोन टैबलेट का पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन के समय हमने देखा कि किस तरह से मोबाइल ने बच्चों की पढ़ाई में मदद करी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी तब भी देखी गई। तो एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय से पहुंचेगा, क्या एक हर एक बच्चे तक इसकी पहुंच होगी, हर एक बच्चा डिजिटल होगा, या फिर जो बच्चा सिर्फ अच्छे नंबर लेकर आता है, अच्छे घर से बिलोंग करता है, तो क्या उसी तक पहुंच होगी? ये एक सवाल है जिसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक सवाल उठा जब अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लैपटॉप बांटे, तो सरकार के घोषणा पत्र की ओर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि सरकार अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादे कब पूरे करेगी। सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, जितने भी दावे वादे किए गए हैं अब उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि 5 तारीख को सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे और 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बाद सभी मंत्री अपने 100 दिन का ब्यौरा देंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि किस तरह से 100 दिन में काम हुआ है और सरकार ने कितनी उपलब्धियां हासिल करी है। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।